गुजरात और महाराष्ट्र में मौसम का हाल बेहाल है। जी हाँ, गुजरात में तेज बारिश और आंधी ने हाल बेहाल कर दिया। तेज बारिश से पानी पानी हो गई है माया नगरी मुंबई भी। तूफान से कई जगहों पर नुकसान है, कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। बारिश से झील में तब्दील हो गए हैं रास्ते। देखिए, बड़ी खबर है, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थितियां बदहाल हो गई हैं। गुजरात में तेज बारिश आंधी से हाल बेहाल हो गया। देखिए, मौसम जो लगातार है वो खराब बना हुआ है, क्योंकि लगातार यदि हम कुछ दिनों पहले भी नजर दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि लगातार बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। झमाझम बारिश से तमाम जो रोड है, सड़कें हैं, वो लबालब हो गई हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में मौसम का हाल बेहाल है। बारिश से झील में तब्दील हो गई है तमाम सड़कें। गुजरात और महाराष्ट्र में मौसम ने हाल बिगाड़ा हुआ है। तो फिलहाल देखिए कब ये भारी बारिश है वो थमेगी, अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन लगातार आपको बता दे कि मॉनसून जो है बना हुआ है, हालांकि कुछ ही दिनों बाद सर्दी भी दस्तक देने वाली है। बावजूद इसके अभी भी बारिश का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। फिलहाल तस्वीर देखिए, जहां नजर दौड़ाएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तेज बारिश है, आंधी से हाल बेहाल है। इधर माया नगरी का भी वही हाल, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है हर जगह। तो माया नगरी में हाल बेहाल है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने बारिश को लेकर चेतावनी भी जाहिर कर दी है। 25 सितंबर को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो गई है। बारिश की वजह से उड़ाने, ट्रेनों की सेवाओं पर बेहद असर पड़ना शुरू हो गया है। इसी वजह से मुंबई के आसपास लैंडस्लाइड, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान अभी भी जाहिर किया गया है। मराठवाड़ा, गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। कोंकण का जिक्र कर लिया जाए, गोवा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। तो फिलहाल देखिए, भारी बारिश का ये आलम है। मौसम का हाल बेहाल है। तस्वीर जरा देखिए, गुजरात महाराष्ट्र में मौसम ने स्थितियां बिगाड़ रखी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निकुल पटेल अहमदाबाद से इस वक्त जुड़े हुए हैं। निकुल, देखिए लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आईएमडी क्या कह रहा है इस बारे में, क्यों ऐसे बार बार हालात बन जाते हैं जो भारी बारिश के साथ आंधी, ये तमाम चीजें आ रही हैं। निकुल, अनम्यूट कीजिए पहले आप अपनी आवाज। जी देखिए, गुजरात के अंदर कभी लंबे समय से जो बारिश रुकी हुई थी वो बारिश है फिर से एक बार शुरू हो चुकी है। और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे यहाँ पे बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है। बात सूरत की करें, भरूच हो या बड़ोदरा हो, नवसारी हो या फिर दाहोद हो, गांधीनगर हो या अहमदाबाद हो, आज सब जगह बारिश है वो देखने को मिली है। कल रात को जो भारी बारिश है वो हुई थी, साथ साथ जो बड़ौदा की बात की जाए तो वही के आंधी के साथ बारिश देखने को मिली थी। काफी नुकसान भी लोगों के यहाँ पे हुआ है, कई लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया था। उसके साथ ही कई ऐसे व्यापारी थे वो भी परेशान हो चुके थे कि जो रास्ते थे कुछ जिल में नदियों के अंदर जो है परिवर्तित हो। आपको बता दें कि अभी भी अगले 10 दिनों के लिए अलर्ट दिया गया है और कभी राज्य के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे बारिश होने की संभावनाएं भी व्यक्त की गई। बिल्कुल, देखिए अभी राहत मिलने की संभावना तो नजर नहीं आती। इस बीच तैयारियां क्या कुछ की गई प्रशासन की ओर से, क्योंकि वक्त हमने देखा है कि पिछले कई महीनों से हम नजर दौड़ाएं तो लगातार अमूमन यही स्थिति गुजरात की तो यही नजर आती है कम से कम। जी देखिए, कहीं ना कहीं लगातार इस मॉनसून की बात की जाए तो जो बारिश होनी थी उससे भी कई गुना जो बारिश है इस बार की गई है और सभी इस तरह की स्थिति है वो देखने को मिलती है। बात उत्तर गुजरात की तो दक्षिण गुजरात की को या फिर गुजरात
सभी जगह जो बारिश का कहर है वो देखने को मिला था। पहले जो बारिश हुई वो भी कहीं ना कहीं आपद बन के आई थी, जिसकी वजह से कई लोगों को, अब फिर से एक बार बारिश का जो राउंड है वो शुरू हुआ है, जिस पर चलते उठे कई ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित हुए हैं। सरकार भी इसको लेकर एक्शन ले रही है, साथो साथ है जो बात जाए तो कुदरत का कहर है वो रोकने का नाम गुजरात के अंदर। अच्छा, जो वजह बताई जा रही है वो क्या कुछ वजह है? क्या पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यह स्थिति बनी हुई है, या चीन में अलग तापमान था, क्या उसकी वजह से बनी हुई है स्थिति? जो IMD है वो क्या बता रहा है इसकी वजह? देखिए, अभी तक IMD ने बताया नहीं है, पर उनका मानना है कि गुजरात के अंदर जो पश्चिमी जो असर है वो यहाँ पे मिल रहा है। आपको बता दें कि गुजरात के कई ऐसे इलाके जहाँ पे बारिश होती थी, वही कुछ जगहों पे भी इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई है। बात जाए पास फिर बनासकांठा की या उत्तर गुजरात की, सभी जगह जो भारी बारिश है वो इस बार देखने को मिली है, और उसको चलते हुए कई जगहों पर अलर्ट भी इस बार दिए गए। ऐसे इलाके जहाँ पे ज्यादातर सूखा रहता था, जहाँ पे बारिश कम होती थी, जगहों पे भी इस बार बहुत ज्यादा। अच्छा, गुजरात के ऐसे कितने जिले होंगे निकोल जो इस वक्त प्रभावित हैं? जी, की बात की जाए तो बड़ौदा है, सूरत है, तारीख है, भरूच है, अंकलेश्वर है, उसके साथ जो बात की जाए तो साबरकांठा है, गांधीनगर है, अहमदाबाद है, अरावली, सभी जगह कहीं ना कहीं बारिश कल से हो रही है, और रुक के जो बारिश हो रही है उसके चलते हुए काफी जिले जो है प्रभावित है। आपको बता दें कि और भी कई जगह पे अलर्ट किया गया है, और अगले 10 दिनों तक मानसून जो रहेगा इस ऐसा मानना है। साथो साथ गवर्नमेंट ने भी सब जगह अलर्ट दे। अच्छा, इसके अलावा हम महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, तो महाराष्ट्र में ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जो ज्यादा प्रभावित रहेंगे, और आगे के लिए क्या कुछ और चेतावनी? जी देखिए, गुजरात के अटके ही महाराष्ट्र की यहाँ से शुरू होता है, और महाराष्ट्र और गुजरात अभी अलर्ट देखने को मिलता है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी ये अलर्ट है, IMD की ओर से दिया गया है, और भारी बारिश का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र की जो बात जाए तो बारिश के ऐसा अनुमान IMD की ओर से लगाया हुआ है। साथ साथ और गोवा में भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना ज्ञापित की गई है, यानी कि मुंबई में बारिश का जो रेड अलर्ट है वो दिया गया है, और IMD ने इस बार चेतावनी जारी की।